अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अभी मैं आया हूँ कराची की सबसे पुरानी फूड स्ट्रीट बंस रोड। और बंस रोड आपको पता है कि यहाँ पे हर तरह की आपको वैरायटी मिलती है, हर तरह के खाने आपको मिलते हैं। तो अभी सबसे पहले मैं यहाँ से शुरू करूँगा यहाँ के गोलगप्पे खाना। तो आइए चलते हैं। हमारी नहीं लाना वीडियो, बता दे यार। अस्सलाम वालेकुम भैया, एक प्लेट बनाना। तो एक प्लेट हमने बनवाई है यहाँ से, कितने की भाई? 100 रुपये। ओके, एक प्लेट। ये जो मीठी चटनी है वो खजूर की बनी हुई है ना? इनकी जो मीठी चटनी है ना वो बहुत ही क्लास की है। सही से बना ले, हम बता रहे बैठ के खाना। अकेला गरीब को बता, गरीब खाना फिर बात कैसे हो? आ जा, बंद हो रहा है वो। सही शॉट नहीं ले, नहीं लिया है। इसका जो मज़ा है ना वो उसकी मीठी चटनी का बड़े क्लास है। आपको एक ही बाइट में सारे मज़े मिल जाएंगे। इसके अंदर एक तो रायता उसमें डाला है, दही जिसको बोलते हैं, दूसरा जो चटनी डाले में ये आपने इसको डिप किया, आलू के। अच्छा वैसे गोलगप्पे हैं ना लालू खेत के मशहूर, मालूम है कि भाई कह रहे हैं गोलगप्पे लालू खेत के मशहूर हैं, लेकिन अभी बंस रोड पे है। तो बंस रोड पे एक अपना ही उसका मज़ा है, वो फिर कभी बनाओ, वहाँ भी जाएंगे। उसके बाद जो है वो दूसरे भाइयों को बुलाते हैं क्योंकि आगे और भी हमें बहुत कुछ खाना है। सारा नहीं दिखाना ना, तो सारे खा के दिखाएगा क्या? आप खा ले बाप, मैंने अभी खा लिया। अब ख़त्म करके फिर वीडियो बनाते हैं। बंस रोड के आप जब ये रोड से आओगे ना, तो मेन रोड से ये यहाँ पे। अच्छा ये सामने दिल्ली रबड़ी है, बहुत ही पुरानी है और इसका टेस्ट रबड़ी का बहुत ही आला है। तो अभी ट्राई नहीं करेंगे, बाद में आखिरी में इसको ट्राई करेंगे, ठीक है? इसका अलग ही लोग डाल देना। कॉफी चाय देसी की मिलेगा, तो खाली देसी की लेना हो तो यहाँ से ले लो। ये कपड़े भी तो लिया था देसी कब?
पे लिया था। अच्छा भाई वहाँ पे बहुत टाइम लग रहा था, तो अभी हमने वहाँ पे छोड़ दिया, अभी कॉफ़ी पी नहीं है, लेकिन अभी हम सोच रहे हैं कि कुछ और खाएं, लेकिन भूख नहीं लग रही इसलिए कराची अली का सोच रहे थे। यहाँ पे आओ तो आगा सच्ची ज़रूर खाओ।
ये बहुत ही पुराना है यहाँ पे, तो यहाँ आओ लस्सी ज़रूर ट्राई करो। जैसे पंजाब पे लस्सी फेमस है तो उसका नाम ही पंजाब लस्सी आओ। वन फ्लोट पे यहाँ पे लस्सी ज़रूर ट्राई करो। ये कॉस्टली भी नहीं है, 110 का इतना बड़ा ग्लास। और ये दूध की बोतल देखिए, ये 100 की है। अच्छा लस्सी, हाँ लस्सी कांच में 100 की है, अगर डिस्पोजल में लोगे तो 110 की। वो 10 रुपये शायद ग्लास के लेते हैं, 10 रुपये ग्लास के होते होंगे ना। 110 रुपये की है डिस्पोजिबल, डिस्पोजिबल ग्लास 110 का, कांच वाली 100। और क्या चाहिए? सेंटर चले जाएं, दही बड़े ट्राई करने हैं तो यहाँ पे आ जाइए। सबसे अच्छे और बेहतरीन दही बड़े यहाँ पे मिलते हैं, लेकिन मुझे अभी लेना है रबड़ी, यहाँ की रबड़ी, दिल्ली रबड़ी हाउस, बहुत ही आला किस्म की दही रबड़ी है। ये 20 रुपये है, पावर अपनी कितने की वजन? 250 आधा पाव देना था, 120 ले लेना। तो आधा पाव रबड़ी दी है तो घर जाके ट्राई करेंगे। अरे जी पार्सल,
ये क्या चीज़ है? पिस्ता रबड़ी है, पिस्ता रबड़ी रसमलाई, ये नक्के शीरी है और वो स्पेशल है। ये हमारी रबड़ी आ गई जाके। ये रेट लिस्ट है, अपने बजट के हिसाब से जो आपको खाना है खाएं मज़े से। अच्छा भाई, अभी अभी घर आया हूँ और बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, और इसके अलावा बहुत मज़ा आया। पूरी तो नहीं लेकिन तकरीबन समझो हमने फूड स्ट्रीट को कवर कर लिया। और बंस रोड जो है बहुत ही पुरानी फूड स्ट्रीट है कराची की, अभी तो बहुत सारी फूड स्ट्रीट बन गई है और वो भी आगे हम देखेंगे, लेकिन मकसद ये था कि आप कराची आते हो तो बंस रोड फूड स्ट्रीट ज़रूर आइए, वहाँ पे कुछ भी आप ट्राई करें, कुछ भी ट्राई करें आपको अच्छा ही लगेगा, पसंद ही आएगा। क्योंकि मैं नहीं समझता कि कोई वहाँ पे ऐसी चीज़ है जिसका टेस्ट जो है वो अच्छा ना हो। तो रिकमेंडेड है कि आप वहाँ जाएं, डिनर के लिए सब्जी खाने का मूड है सब्जी खाएं, चरगा खाएं, कुछ भी खाएं, मतलब हर तरह की आपको वहाँ पे वैरायटी मिलेगी खाने पीने में। और उसके बाद सोडा भी है, चाय भी है, हर चीज़ मतलब। तो भाई रबड़ी जो है मैं घर के लिए लाया था पार्सल के लिए, तो ये इसको हम ट्राई करते हैं। ये देखें, आला भाई। इसकी रबड़ी नहीं खाए तो फिर आप बंस रोड आके आपको फ़ायदा ही नहीं है बंस रोड में, इसकी रबड़ी ज़रूरी है बंस रोड में। हर बाइट में मज़ा है, तो इसको तो हम पूरा कर ही लेंगे। तो वीडियो को ख़त्म करते हैं, चैनल को ग्रो करने में मेरा साथ दीजिए और सब्सक्राइब लाजमी करें, लाइक करें ना करें आपकी मर्ज़ी, सब्सक्राइब करें।